जय गुरु देवता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे आफ्टर दिवाली एंड मम्मा पापा इज़ अगेन मेकिंग बड़ी और डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। सो पापा जी, व्हाट आर यू डूइंग? या दिस इज रेडीज एंड मेथी मैसिंग एंड दिस इज आयुर्वेदिक बड़ी जो सर्दियों के लिए एकदम रामबाण है और अल्टीमेट टेस्ट है इसका। और ये वाली है, ये हमने और डिफरेंट आज थोड़ा और एक ट्राई किया है, एक ट्राई किया है अदरक के पत्ते, मेथी, मेथी के सीड्स और मूली, मूली ये साथ। दिस इज फर्स्ट ट्रायल, लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है, क्या होता है। हम गांव में आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी 3 डेज 4 डेज है आज हमारा और हम रात रात भर ये विनोद जी मूली कसते हैं और उसके बाद मैंने मेथी के शीट्स भिगो के पीसे हैं। अब हम मिक्स करके इनकी बढ़िया बना देंगे और ये विंटर में बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं, गर्म होता है बिल्कुल, ये ठंड नहीं लगती है, इससे ही कहा जाता है। कई बीमारियों का इलाज है, रामबाण इलाज, रामबाण इलाज है जो हड्डियों का, दिल का और लंग्स के लिए। तो हम लोग अधिकतर ऑर्गेनिक ही खाते हैं, इसीलिए हम गाँव आते रहते हैं। 1 ईयर में हम 2-3 टाइम आते हैं गाँव। Every quarter we are reaching here to get the organic things to make our health charged। और जिसको भी खानी हो वो भी हमारे यहाँ आके मोस्ट वेलकम है, लेके जा सकते हैं टेस्ट करने के लिए। समाज सेवा से पीछे नहीं हटते हम, कोई भी आ सकते हैं और ले जा सकते हैं खाने के लिए। चलो ये रेडी हो गया है ऑर्गेनिक बड़ियों का मटेरियल। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द बॉडीज। भाभी आग जलाने की ट्राई कर रहा है कंटेनर में, उसको धुआं लग रहा है इसमें। नहा लो, पानी गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, मम्मा जी बड़ी केले के पत्तों में लटकाई सॉरी डालेंगी बना के, तो केले के पत्ते काट रही है। मम्मा जी पापा जी अभी इसको वॉश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मा जी पापा जी को ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर देंगे ये पत्ता केले का, इसमें जाएगा, इसमें फिर बढ़िया डालेंगे आज। ये फ्रेंड्स हमारे छत से सीन है, छत का ये है सूर्य देवता, बहुत ही अच्छा दृश्य। ये हमारे घर के चारों तरफ ये पूरे आम का बगीचा है हमारे साइड का। यहाँ पे विनोद जी बढ़िया बना रहे हैं, वही जो अभी हमने दिखाई थी मूली और मेथी वाली, और ये डलेंगे इस केले के पत्ते में। वॉश करके हम ले आए हैं इसको, पूरा कोशिश किया कि ऑर्गेनिक तरीके से हम इन सबको बनाया जाए और काफ़ी हद तक हमने सक्सेस भी मिली है। मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 घंटे में ही सब कुछ तैयार हो जाएगा और सफ़ेद पीठा और उड़द दाल की बढ़िया ऑलरेडी 3 दिन पहले बना, 2 दिन पहले बना चुके हैं जो अभी सूख रही हैं, जो कि ये रही, और ये 3 दिन बाद ये भी तैयार हो जाएंगी, खाने लायक हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये अमरूद का पेड़ है, हमारी दादी औरों का है, उनके घर के नीचे है और हमें इतने सारे अमरूद मिले हैं, बहुत ये लाल वाले अमरूद हैं अंदर से। और हम अभी इवनिंग वॉक में जा रहे हैं और हम सब अभी यहाँ पे अमरूद खा रहे हैं, खाते खाते हम नीचे जाएंगे, फिर प्लेग्राउंड में वहाँ पे जाके खेलेंगे। ये सब भाग जा रहे हैं और मैं पीछे ही रह जा रही हूँ, एक बार तो मैं फिसल चुकी हूँ, मेरा पैर टूटते टूटते बचाए। गाय भी आ गई चर के, सब अपने अपने घर चली जाती हैं। ये मॉर्निंग में इनको
जंगल में छोड़ देते हैं। इवनिंग में सारे गाय अपने अपने घर चली जाती हैं अपने आप से। अब हमारे यहाँ से डाउन में, यहाँ पे भी हमारे गांव के घर हैं 3-4, दो नए बन गए हैं और फ्रेंड्स ये मम्मा जी की फ्रेंड्स ये मम्मा जी की फ्रेंड्स हैं, मेरी चाची लगी दोनों और बाकी ये दीदी है, बाकी ये मैं हूँ और बाकी सारे बॉयज आगे चले गए हैं। अच्छा ये लगा रहे हमारे यहाँ लूटा मोहन भाई की वाइफ, शक्ल नहीं दिखा रही है लग रहा मुझे, इधर शक्ल दिखा दो, शक्ल क्यों छुपा रहे यार। ये साक्षी बेटा दे रही है घास मम्मी को और 4 लूट लगा है लेनो। ये आई है एक दीदी हमारी, ये नया घर बना है गुड्डू लोगों का, यह है गौतम लोगों का घर है। ये देखिए यहाँ पे केले के पेड़ हैं इतने सारे और इतने सारे केले आए हैं। गांव की चीज़ों का तो अलग ही मज़ा है और यहाँ पे केले खाते कम हैं लोग, बिकॉज़ यहाँ पे ठंड वैसे ही होती है और केले और ठंडे होते हैं। ये देखिए आगे नींबू का पेड़ है और एक घिया की बेल है, बची नहीं है वैसे, बेल तो ख़त्म हो गया इसका टाइम, बट एक बहुत बड़ी घिया रखी है इन्होंने, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, इतनी लंबी है देखिए, ये देखिए ये इन्हीं की है। ये है भाभी जी, इन्हीं की घिया है ये। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने अच्छे अमरूद हो रहे हैं, सब जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहीं हमें अमरूद मिल रहे हैं, आजकल अमरूद का सीज़न है। और यहीं पर है ये पेड़ जहाँ से बच्चे खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड है यहाँ पर, पूरे पहाड़ देखिए उत्तराखंड के प्यारे प्यारे पहाड़, जिनको देखने हम आ ही जाते हैं साल में 2 बारी या 3 बारी। ये देखो लोग घास लेके आ रहे हैं, अब यह सोच का महीना, वैसे तो अभी कार्तिक का महीना लग गया बट इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी तो लोग काट नहीं पाए थे घास, तो इसलिए अभी कार्तिक के महीने में भी लोगों का सोच ही लगा हुआ है। बच्चे खेल रहे ना यहीं पे, हाँ खेल ही रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं, तभी अभी स्केट्स लेके आए। हाँ, ये है हमारा प्लेग्राउंड। हाँ यहाँ पे चला लेगा स्केट्स, यहाँ कहाँ चला, चलेगा नहीं इसमें, नहीं नहीं, नहीं। अच्छा ये अभी पक्का नहीं है, करा है ना मिट्टी है। केम यहाँ, ये वैसे ना डॉगी बड़े पहचानते हैं। भाविक 6 लगाओ। यस मैम। तुम मेरी बनाओ मैं तुम्हारी बना दी। मेरे में तो सेल्फी भी आ जाएगी साथ। ये देखिए फ्रेंड धूप जाने वाली है, शाम के 5:30 हो गए आई थिंक, बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बना है बिनता धारी में, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।